Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, finally मैदान का ट्रेलर आ चुका है एंड इसके टीजर पे हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रेलर को रिएक्ट करें, आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस, लेट्स गो टू द वीडियो। वैसे पूरे इंडिया में किसी को नहीं लगता कि हम कभी जीतेंगे, पर आपको लगता है। कब? He's Mr. Rahim, Indian football team coach. इंडिया खेलना चाहते हो तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। और रहीम, तो क्या ढूंढ रहा है यार? मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं। बिग बॉल के खिलाड़ियों को हैदराबादियों से बदलने का मौका ढूंढ रही है। मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी, लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में अटके हुए हैं। मैंने सुना झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है। कहां कहां से नमूना इकट्ठा किया मिस्टर रहीम? जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम आज एक कांटे की टक्कर की उम्मीद थी, पर भारत 47 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। नया टीम बनाया क्या किया? बहुत ज्यादा बहाने हो गए, ऐसा ही चलता रहेगा। एक और टूर्नामेंट हारने का समय नहीं है हमारे पास। ऐसे रहीम को पड़े जिस्म के खास हिस्से पे लात। करेक्ट। इस भीड़ से साथ की उम्मीद मत रखना, आज कान बंद करके खेलना। इसका हिसाब चाहिए मुझे। तो गाइज, हमने ट्रेलर देख लिया एंड ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है सच में। बहुत इसके डायलॉग्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिस तरीके से इसको बोला गया है बहुत अच्छे से बोला गया है, फुल कॉन्फिडेंस वाली चीजें थी इसके अंदर। एंड अजय देवगन की जो एक्टिंग है गाइस, सीरियसली मैं बता रही हूँ, मतलब वो इतने ज्यादा अमेजिंग है। सीरियस मतलब फेस उनका बिल्कुल ऐसा, उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मैच कर रहा था, लाइक है ना, कि बिल्कुल कोच वाली फीलिंग आ रही थी उनको देखकर। एंड इसमें जो टीजर है, टीजर और ट्रेलर में ज्यादा बड़ा डिफरेंस कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सारी चीजें सेम जो टीजर में थी वही देखने को मिली है। कुछ कुछ डायलॉग्स उससे थोड़े से एड ऑन किया हुआ है, थोड़े से शॉर्ट्स थोड़े बहुत नए हैं, बाकी सेम टीजर और ट्रेलर का कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बट बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि हम एक उसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेशनल वाली चीजें हैं, बहुत डेडिकेशन वाली चीजें हैं। एंड ये मूवी आने वाली है 10th अप्रैल को सिनेमाज में, तो अपनी अपनी टिकट्स बुक कर लेना एंड इसको मिस मत करना गाइस, बहुत अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मैं तो डेफिनेटली देखने वाली हूँ। मुझे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी काफ़ी पसंद है, जिसकी मैंने पहले भी कहा वीडियो थी, तो ये जरूर देखने वाली हूँ मैं। तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आप में से कौन कौन है जो वो देखने जाएगा और कैसी लगी, ये भी जरूर बताना। और साथ वीडियो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।